इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी खुद की एक मूवी रिव्यू वेबसाइट बना के महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। मूवी रिव्यू वेबसाइट आपकी पूरी तरह से कॉपी पेस्ट रहेगी और आपके ब्लॉग के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से ट्रैफिक आएगा, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां पे आप लिंक शेयर करेंगे वहां से ट्रैफिक आएगा, गूगल से भी ट्रैफिक आएगा। बट आप सबको पता है कि ब्लॉगर के ऊपर न्यू बनी हुई वेबसाइट पे गूगल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में अगर आपको लाखों रुपए सच में जनरेट करने हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने उस न्यू बनी हुई वेबसाइट का लिंक शेयर करना होगा। अब आपके मन में एक सवाल यह आ रहा होगा कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल, जी हाँ दोस्तों, अप्रूवल आप लेना चाहे तो ऑफकोर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही दिन से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एडस्टेरा के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा एंड वहां से आप पहले दिन से ही अपने ब्लॉग के ऊपर एडवर्टाइज लगा देंगे। और एडस्टेरा के ऊपर जो है आप बेसिकली चैट जीपीटी से भी आर्टिकल लिख के डालेंगे तो वो भी चल जाएंगे, तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की, जहां पे मैं आपको बताता हूँ कि मूवी रिव्यू की वेबसाइट को कैसे बिल्ड करना है, ब्लॉगर के ऊपर कैसे उसके ऊपर वेबसाइट को सेटअप करना है, कैसे उसके ऊपर एडवर्टाइज को सेटअप करना है, कैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी एक वेबसाइट बना के, तो आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है ब्लॉगर। जब आप गूगल पे ब्लॉगर सर्च करेंगे तो ये लिंक आएगा आपके सामने, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट ए यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली। सो यहाँ पे अब दो ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट योर ब्लॉग एंड साइन इन, इन दोनों में से किसी एक पे आपको क्लिक करना है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपके सामने जीमेल अकाउंट होंगे आपके, जितने भी आपने उस सिस्टम के अंदर लॉगिन किए होंगे। सो उन जीमेल अकाउंट में से आपको एक जीमेल अकाउंट पे क्लिक कर लेना है जिससे भी आप लॉगिन होना चाहते हो या साइन इन करना चाहते हो। सो जैसे ही आप जीमेल को सिलेक्ट कर लोगे आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नेम सेलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग के लिए नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मूवी मसाला, या फिर आप डिफरेंट टाइप का जो भी नाम आपको सही लगे वो नेम सेलेक्ट करिएगा, मूवीज मसाला। सो इसके अलावा नेक्स्ट पे अपन क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट पे क्लिक करके हमें अपने ब्लॉग का यूआरएल बनाना है, तो आप देखिए हमें यहाँ पे मूवीज मसाला एंड पीछे कुछ रैंडम नंबर हमें ऐड करने होंगे, उसके बाद .blogspot.com ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल बन जाएगा और 2 सेकंड के अंदर हमारी वेबसाइट जो है बनके तैयार हो जाएगी। आप देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है और ये हमारी ब्लॉग या जैसे आप वेबसाइट कह सकते हैं क्रिएट हो चुका है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आना है आपको पेजेज के ऊपर एंड 5 पेजेज आपको बहुत ही जल्दी बिल्ड कर लेने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। इसके अलावा आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, लाइक एफिलिएट डिस्क्लोजर हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ। इसके अलावा आपको यहाँ पे थीम पे आना है एंड यहाँ पे आपको कोई भी थीम को सेलेक्ट कर लेना है। वैसे अगर आप थीम को एक्सपोर्ट करके लगाओगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। मैं करंटली यहाँ पे कॉन्टेम्पो पिंक थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद आपको आना है सेटिंग के ऊपर एंड यहाँ पे देखिए टाइटल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। इस डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वेबसाइट का पूरा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, 500 कैरेक्टर तक आप जो है यहाँ पे डाल सकते हो। ब्लॉग लैंग्वेज अब यहाँ पे देखना है कि आप कौन सी मूवीज को रिव्यू करके यहाँ पे डालोगे, लाइक हिंदी फिल्मों में, हिंदी लैंग्वेज में आप डालोगे हॉलीवुड फिल्मों का, बॉलीवुड फिल्मों का, साउथ फिल्मों का एंड या फिर आप इंग्लिश में डालोगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप अर्निंग करना ही चाहते तो एक इंग्लिश का बना लीजिए, एक हिंदी का बना लीजिए, कौन सा पैसा लग रहा है। करंटली मैं यहाँ पे हिंदी का लेके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ पाए। हिंदी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे ब्लॉग का सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है आपको, कमेंट मॉडरेशन पे आके आपको नेवर से ऑलवेज पे लाके सेव कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा मेटा टैग्स का, यहाँ पे देखिए सर्च डिस्क्रिप्शन को आपको एनेबल कर देना है और अपनी वेबसाइट को यहाँ अपने सर्च डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट के कंटेंट के रिगार्डिंग टैग यहाँ पे आपको ऐड कर देने हैं एंड उसके बाद नीचे आपको क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको कस्टम रोबोट टेक्स्ट को एनेबल कर देना है।
कस्टम रोबोट हेडर टैग को भी आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है और अपनी वेबसाइट को यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में आपको ऐड कर देना है। सो, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर देंगे तो आपका आधा काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको आना है पोस्ट के ऊपर एंड यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप किस पर्टिकुलर मूवी के ऊपर रिव्यू करना चाहते हैं अपने पहले ब्लॉग के अंदर। सो चैट जीपीटी ओपन है, इमेज क्रिएट करने के लिए हमारे सामने यहाँ पे देखिए कैनवा का ऐप ओपन है एंड इसके अलावा हमने गूगल भी यहाँ पे ओपन करके रखा है ताकि हम एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे ऐड कर पाए। सो मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई एक मूवी जो है अपन कोई पुरानी मूवी ले लेते हैं, लाइक दीवार मूवी लेते हैं अमिताभ बच्चन की। सो, देखिए ध्यान से, आप कोई भी न्यू मूवी भी ले सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है आप किस पे करना चाहते हो। राइट ए कंप्लीट रिव्यू ब्लॉग इन हिंदी ऑन दीवार फिल्म। सो, यहां पे आप देखिए, यहां पे ये एक पूरा ब्लॉग जो है हमारे लिए तैयार कर रहा है, आपके सामने सामने ये आर्टिकल जो है तैयार हो रहा है। सो, हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली ये क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप इंग्लिश में इससे काम करवाओगे क्विकली 2 मिनट भी नहीं लगाएगा पूरे मूवी रिव्यू को देने में। हिंदी में बेसिकली आप समझ देना AI मॉडल है, हिंदी टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हिंदी में टाइप करके नहीं देगा। ये इंग्लिश के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, बट आपको पूरा कंटेंट जो भी आप बोलोगे वो यहाँ पे आपके लिए ये तैयार करके देगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा कॉन्टेंट हमारे लिए हमारी आंखों के सामने तैयार हो रहा है। अब देखिए, जब तक चैट जीपीटी नहीं था आपको ये कॉन्टेंट तैयार करने के लिए कई रिसर्च करनी पड़ती, कई सारे आर्टिकल को आपको रीड करना पड़ता, कई सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ती, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आप डायरेक्टली इसको कॉपी करके ले जा सकते हो। अब देखिए, एक इमेज भी अपन यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं। सो, अपन दीवार फिल्म का कोई फोटो लेते हैं बेसिकली और उसको यहाँ पे ऐड करेंगे बेस। सो, यहाँ पे दीवार फिल्म के इमेज के अंदर अपन जाते हैं और यहाँ से कोई फोटो अपन ले लेते हैं। ये देखिए, ये थंबनेल है, इसको जो है बेसिकली यहाँ से अपन सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देखिए सेव कर दिया हमने डाउनलोड के अंदर एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और एक बार ये अपलोड हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पूरी एडिटिंग यहाँ पे करनी है। सो, देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट डालोगे तो गूगल एडसेंस के अप्रूवल में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपको एड स्टेरा का ही अप्रूवल चाहिए तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट, कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो, सबसे पहले तो ये कंटेंट अपन अपना कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, ये मैंने छोटा ही लिखवाया है बट आप यहाँ पे इसको कमांड दे सकते हो कि आप 1000 वर्ड में मुझे मूवी रिव्यू करके दो, 500 वर्ड में करके दो, या जितने भी वर्ड में आपको चाहिए। ब्लॉग पे आके न्यू पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए टाइटल के नीचे क्लिक करके आपको कंपोज व्यू में आना है। कंपोज व्यू में आके आपको पूरा कंटेंट अपना यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप जो है अपना ब्लॉग का नेम लिख सकते हैं, लाइक दीवार, यहाँ पे देखिए ये मैं इंग्लिश में ही लिख के आपको बता रहा हूं, दीवार मूवी रिव्यू। सो, कुछ इस टाइप से। इसके अलावा लेबल में मैं यहाँ पे मूवी लेबल लगा देता हूं। सो, इस टाइप से आपको सारी चीजों को तैयार कर लेना है। अब देखिए, परमालिंक में आपको जाना है, आपका जो टाइटल है उसको आपको कॉपी करके यहाँ पे देखिए कस्टम परमालिंक के अंदर पेस्ट कर देना है। एक बार जब आप ये कर देंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंटेंट देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको मेटा टैग का ऑप्शन मिलेगा, मेटा टैग आप देखिए यहाँ पे आपको अपने मेटा टैग जरूर डालने हैं। इतना करने के बाद अब आप देखिए ये जो कंटेंट हमने यहाँ पे पेस्ट किया है इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे सबसे पहले इनकी,
और उसके बाद जो है आप यहाँ पे बीच में कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, लाइक फिल्म समीक्षा, ये जो है अपनी हेडिंग है, तो इसको मेजर हेडिंग में मैंने कन्वर्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेंटर अलाइन किया। अंडरलाइन अगर आप इसकी करना चाहते हो कर सकते हो, इटैलिक इसको करना चाहते हो कर सकते हो। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट इमेज पे जाऊंगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाऊंगा, और जो थंबनेल हमने गूगल से डाउनलोड किया था उसको हम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं क्योंकि हम एड एस्टेरा का अप्रूवल यहाँ पे लेने वाले हैं। सो यहाँ पे डाउनलोड में आएंगे एंड जो इमेज हमने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगेन सेलेक्ट पे अपन क्लिक करेंगे, देखिए ध्यान से नीचे की तरफ सेलेक्ट ऑप्शन है, फोटो अपलोड हो जाएगा एंड यहाँ पे फोटो की फॉर्मेटिंग जो है हमसे पूछी जाएगी। राइट, करंटली ये अपलोड नहीं हुआ है इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से, बट ओवरऑल जो है इमेज आपका यहाँ पे आ चुका है। आप देखिए इस टाइप से आप इसको जो है यहाँ पे अगर बड़ी स्क्रीन पे लाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा लार्ज करके सेलेक्ट कर देंगे तो इमेज जो है ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। इसी टाइप से आप जितने फोटो जहाँ पे ऐड करना चाहते हो करिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप इजीली इस टाइप को, इस प्रोसेस को फॉलो करके अच्छा पैसा बना सकते हो, ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे पता चल चुकी है और मैं ये आपको भी यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए ब्लॉग हमारा बन चुका है, अब अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अमेजोन एफिलिएट के साथ जुड़ना होगा और पहले दिन से ही अर्निंग कर सकते हो आप, क्योंकि मान लीजिए ये हमारी एफिलिएट की लिंक है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल प्रस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, इस लिंक को कॉपी करेंगे एंड जो भी प्रोडक्ट अपन सेल करना चाहते हैं उसके लिंक को ऐसे कॉपी करेंगे एंड इस दीवार के पीछे अपन जो है यहाँ पे देखिए इंसर्ट एंड एडिट लिंक पे जाएंगे एंड वो लिंक यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे। अब देखिए दीवार के पीछे जो है एक एफिलिएट लिंक तैयार हो चुकी है, तो जो भी दीवार के ऊपर क्लिक करेगा या अपना कर्सर ले जाएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा कैनवा के ऊपर। इसी तरह अगर आपने अमेजॉन एफिलिएट की लिंक डाली होगी तो वो डायरेक्टली अमेजॉन एफिलिएट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, लाइक मैं आपको डायरेक्टली करके बताता हूँ। सो देखिए दीवार पे जैसे ही हल्का सा टैप हुआ, देखिए हमारे सामने ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। सो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से एफिलिएट मार्केटिंग वर्क करती है एंड यहाँ पे आप जो है इसको अगेन हटा भी सकते हो, अगर कोई एफिलिएट लिंक आपको हटाना है सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट लिंक पे जाएंगे एंड जो लिंक पेस्टेड है ऑलरेडी उसको यहाँ पे आप डिलीट कर देंगे। राइट, और ओवरऑल जो है यहाँ पे आपका काम बन जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो है इस टाइप से ये हटा के हैशटैग डाल के सेव कर देना है। अब पैसा कैसे बनेगा उसको दीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग से तो कैसे बनेगा आपको पता ही है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एडस्टेरा से कैसे बनेगा। सो एडस्टेरा जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एडस्टेरा क्या है, ये गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव आप कह सकते हो, इसके अंदर भी आपको काफ़ी डिसेंट रेवेन्यू मिल जाएगा अगर आप सही से काम करते हो, अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज लाते हो। यहाँ पे देखिए इज एडस्टेरा रियल और फेक, सो देखिए यहाँ से एडस्टेरा इज ए वर्ल्ड नोन एड नेटवर्क विथ ए पार्टनर केयर अप्रोच सर्विंग ओवर 30 बिलियन एंड इम्प्रेशन पर मंथ वर्ल्ड वाइड, इट वर्क विथ 18 के डायरेक्ट पब्लिशर एंड 12 के प्लस ब्रांड एफिलिएट मीडिया एजेंसीज एंड एड नेटवर्क डीलिंग विथ मेन स्ट्रीम एंड नॉन मेन स्ट्रीम वर्टिकल। सो बेसिकली ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ये एकदम रियल है बेसिकली, और इस पे आपको अकाउंट बना लेना है और अपने वेबसाइट को जो है ऐड कर देना है, क्विकली आपको अप्रूवल मिल जाएगा, इसमें कोई भी जो है झंझट वाला काम होता ही नहीं है। सो कहने का मतलब एकदम सिंपल है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है एंड आप इजीली जो है इनके थ्रू पैसा कमा सकते हो अगर आप ऐसा ब्लॉग बनाते हो तो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हर किसी को इस मेथड के बारे में पता चल पाए, और ये पर्टिकुलर आइडिया आपको कैसा लगा है उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसे ही यूनिक आइडियाज के ऊपर अगर आप ब्लॉगर पे काम करके पैसा कमाना चाहते हो तो
चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए एंड वीडियो को लाइक करिए।